Hey guys, welcome back to another video. दोस्तों, Nikon D3500 DSLR में शटर स्पीड, अपर्चर और ISO को कैसे चेंज करना है ये आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब आप देख रहे हो, आपका अगर मैनुअल मोड पे आप शूटिंग कर रहे हो तो स्क्रीन में आपको तीन सर्कल्स दिखाई देंगे, ठीक है। पहला वाला जो लेफ्ट वाला है वो शटर स्पीड आपकी बताता है कितनी है, सेंटर वाला जो है वो अपर्चर आपका कितना है वो बताता है, और जो थर्ड वाला है उसमें आपको ISO वैल्यूज बताता है कितना है। तो शटर स्पीड अगर आपको चेंज करना है तो ये जो स्क्रॉल बटन है इसे आप लेफ्ट में घुमाओगे तो आपका शटर स्पीड स्लो होता जाएगा, और इसे राइट में घुमाओगे तो शटर स्पीड जो है फास्ट होता जाएगा। अब आपको अपर्चर वैल्यू चेंज करना है तो आपको ये स्क्रॉल व्हील को लेफ्ट या राइट घुमाना है, लेकिन आपको ये जो प्लस और माइनस साइन दिया हुआ है इसे कंटिन्यूस दबा कर रखना है, और उसके बाद जो है ये स्क्रॉल को लेफ्ट या राइट घुमाना है, तब जाकर आपका अपर्चर वैल्यू चेंज होगा। अगर आपने सिर्फ स्क्रॉल व्हील को घुमाया तो आपका शटर स्पीड स्लो या फास्ट होगा। अपर्चर को चेंज करने के लिए इसे पहले दबा कर रखना है कंटिन्यूसली, और फिर ये स्क्रॉल बटन घुमाना है। तो आप देख सकते हो, लेफ्ट में घुमाने पर अपर्चर कम हो रहा है, राइट में घुमाने पर अपर्चर हाई हो रहा है। और ISO को चेंज करने के लिए दूसरे कैमरे जो होते हैं निकॉन के, वहां पर एक FN फंक्शन बटन दिया हुआ होता है जिसे दबाकर ये आप स्क्रॉल व्हील घुमाओगे तो आपका ISO वैल्यू भी चेंज होगा। बट निकॉन के D3500 में वो बटन अभी कंपनी नहीं दे रही है, इसलिए आपको ये जो आई बटन है इसे दबाकर यहाँ पर क्विक मेन्यू खुलता है, उसमें ISO में जाना है और यहाँ पर अपना जो भी प्रेफर्ड नंबर है आपको वो सेट करना है। अभी यहाँ पर मैं 100 सिलेक्ट करूंगा, बाहर आऊंगा तो देखिए ISO 100 हो गया। अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे फिर से आई बटन दबाना है, ISO में जाना है। अब यहाँ पर मैंने 400 सेलेक्ट करके मैं बाहर आऊंगा तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, इस तरह चेंज की जाती है निकॉन D3500 DSLR में। आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।